दोस्तों टेस्ट मैच के चौथे दिन टीम इंडिया के गेंदबाजों ने दुबई टीम इंडिया की लुटिया 99% जीता हुआ मैच इस वजह से हारेगी टीम इंडिया। तो ऐसे में क्या कुछ है पूरी खबर की जानकारी सब कुछ बताएंगे आपको इस खास रिपोर्ट में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम या टेस्ट मैच जीत ले तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे कि आप सबको पता है कि इस समय भारत और इंग्लैंड के बीच पांचवा और आखिरी टेस्ट मुकाबला खेला जा रहा है और ऐसे में अब तक इस मुकाबले को 3 दिन हो चुके हैं और ऐसे में कल भारतीय टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ 3 विकेट के नुकसान पर 125 रन बना लिए थे और ऐसे में आज जब शुरुआत हुई तो चेतेश्वर पुजारा और ऋषभ पंत क्रीज पर टिके हुए थे और ऐसे में दोस्तों चेतेश्वर पुजारा ने 168 गेंदों में 66 रनों की शानदार पारी खेली तो वहीं ऋषभ पंत ने भी 86 गेंदों में 57 रनों की शानदार पारी खेली जिसमें 8 चौके शामिल थे। तो वहीं दोस्तों श्रेयस अय्यर ने 19 रन बनाकर पवेलियन चलते बने तो वहीं रविंद्र जडेजा भी 23 रन बनाकर पवेलियन चलते बने और ऐसे में भारतीय टीम ने 10 विकेट खोकर 245 रन बनाए। तो वहीं फिर दोस्तों इंग्लैंड की टीम बल्ले करने उतरी और ऐसे में इंग्लैंड की टीम ने अब तक 57 ओवरों में 3 विकेट के नुकसान पर 259 रन बना चुकी है। जी हां दोस्तों और ऐसे में जॉय रूट और जॉनी बेयरस्टो अब तक क्रीज पर बने हुए हैं। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि जॉनी बेयरस्टो ने अब तक 72 रनों की पारी खेली है तो वहीं जॉय रूट ने भी 76 रनों की पारी खेलकर क्रीज पर बने हुए हैं और ऐसे में अब दोस्तों आज भारतीय टीम के गेंदबाज काफी महंगे साबित होते हुए नजर आए। वहीं आपको बता दें कि जसप्रीत बुमराह ने 2 विकेट लेकर 53 रन दिए हैं तो वहीं मोहम्मद शमी ने 12 ओवर में 49 रन दिए हैं तो वहीं 1 भी विकेट हासिल नहीं कर पाए हैं। तो वहीं रविंद्र जडेजा ने भी 53 रन दिए हैं तो वहीं दोस्तों सबसे ज्यादा मोहम्मद सिराज ने पिटवाए। मोहम्मद सिराज ने 10 ओवर में 64 रन दिए हैं। तो वहीं अब ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि इंग्लैंड की टीम को केवल इस जीत के लिए 119 रन चाहिए। ऐसे में दोस्तों कल देखने वाली बात यह होगी कि भारतीय टीम के गेंदबाज इंग्लैंड टीम को रोक पाते हैं या नहीं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि भारतीय टीम यह मुकाबला जीत पाएगी या नहीं, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए आपका बहुत